हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी तो आज का हमारा सेशन होने वाला है जो जो क्या करने हम लास्ट मंथ्स का करंट अफेयर्स जनवरी से 2023 तक इसका आज का पार्ट थ्री है ठीक है पार्ट थ्री है आज का पार्ट वन एंड टू अगर नहीं देखो जाके प्ले से देख लेना प्ले लिस्ट वहां पर बनाया हुआ है वन टू थ्री पर जितना भी होगा वही प्ले पे जमा होगा ठीक है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जनवरी दिसंबर तक जितना भी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे वैसे कोई नहीं देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा वही देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो चलिए आज के पार्ट थ्री को देख लेते हैं जनवरी से दिसंबर तक क्या क्या ट्वेल्व मंथस के करंट अफेयर आज के पार्ट थ्री में दिया हुआ है ठीक है यहां पे छोटा छोटा पार्ट करके करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भी इजी टू रीड होगा ओके तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का क्या है ज बीन ऑनर्ड विद यूनिक लिटरेरी अवार्ड बाई द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ठीक है तो किसको दिया गया है दिया गया है शेख मुजिबुर रहमान को ठीक है शेख मुजीबुर रहमान कौन है जो बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट थे ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक 23 में क्या आया है 23 में आया है हंड्रेड एंड इलेवेंथ रैंक अगर पूछेगा 2022 का रैंक क्या था 2022 में इंडिया का रैंक था हंड्रेड एंड सेवेंथ ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर थ्री Who has been appointed as the new permanent representative of India to United Nations and other international organizations in Geneva? Very very important. ठीक है इसको star mark करके रखिए exam में जरूर पूछेगा ये तो कौन होगा तो ये होगा अरिंदम बांगशी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 तो 23 में इंडिया का रैंक क्या होगा तो रैंक आया है है पे ठीक टॉप रैंक कंट्री कौन सा होगा टॉप रैंक हो जाएगी यहां पे स्विट्जरलैंड जो टॉप रैंक पे है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बी के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए तो हो जाएगा रघु रघु श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बी आर ओ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स वो एज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्लेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ है तो हो जाएगा के एन शांतो कुमार को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ पीटीआई नेक्स्ट क्वेश्चन

नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज संप्री इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन तो हो जाएगा बांग्लादेश के साथ एंड इस बार का एडिशन क्या हो जाएगा जो इलेवेंथ एडिशन है इस बार का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन मोहम्मद मोजू हैज बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कौन से कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट बने तो बने मालदीव्स के ओके मालदीव्स का कैपिटल क्या होता है वो होता है माले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी जो ट्वेंटी टू का ट्वेंटी थ्री अक्टूबर में दिया गया तो किसको दिया गया धर्मेंद्र को ये अवार्ड दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट अवॉर्ड में होगा एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्टेट गवर्नमेंट हैज बिन डिसाइडेड टू प्रोवाइड द भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट टू दो निजाम एरा डॉक्यूमेंट तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया प्रोवाइड करने के लिए तो ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने किया है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन बिल टू द गीग वर्कर्स फर्स्ट टाइम गीग वर्कर्स क्या क्या है तो ये क्या है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच कंट्री हैज बीन पुल्ड आउट एज द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स होस्ट रिस तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कहां पे होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट पे होने वाला था पर अभी नहीं होगा वहां पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बिन अवॉर्डेड द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो किसको दिया गया यह तो यह दिया गया उत्तम सिंह को नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंडिया हैज बिन साइन अमो यू विथ विच कंट्री टू डेवलप द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई एंड स्पेस टेक्नोलॉजी तो कौन से कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है मेमोरेंडम साइन किया तो ये हो जाएगा यू ए के साथ इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या बोला गया द गोवर्धन स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री तो कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने गोवर्धन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन वन रामानुज प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन मैथमेटिक्स तो शस्त्र रामानुज प्राइज तो दिया जाता है वो किसमें दिया जाता है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में दिया जाता है तो so, किसको मिला है इस बार तो रुईजांग जंग को मिला है तो ये रुईज यांग जंग को मिला है एंड जो कौन से कंट्री से तो ये हो जाएगा यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन नंबर क्वेश्चन विच आई आई टी द पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तो कौन सा आई होगा आई आई इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टेट गवर्नमेंट हैज गवर्मेंट द नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट टू कंजर्व द स्टेट एनिमल तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को किसके लिए कंजर्व स्टेट एनिमल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी गॉट द जी आई टैग फॉर द पश्चिम क्रैप तो कौन सा स्टेट यूनियन टेरिटरी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वे स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन द होप इनिशिएटिव मिशन टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्री हैज बीन होस्टेड नाइन्थ पी ट्वेंटी मतलब पार्लियामेंट ट्वेंटी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को होस्ट किया है किसने होस्ट किया है ये हमारे इंडिया ने ही होस्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर फर्स्ट काटोग्राफिक म्यूजियम हैज बिन बिल्ड इन विच स्टेट कौन से स्टेट में बिल्ड हुआ है तो यह हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट में बिल्ड हुआ है इंडिया का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर स्टेट हैज अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर द टाइगर रिजर्व ठीक है तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इसको कौन सा स्टेट ने इसको अप्रूव किया है फॉर्मेशन किसके लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए ठीक है तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन बोला गया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च द मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम्स को बोला जाता है सबल ओके एस ए बी एल सबल बोला जाता है टू टेक केयर ऑफ द स्पेशली एबल चाइल्ड चिल्ड्रन इन द अराउंड फोर हंड्रेड स्कूल तो यहाँ पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली एसएससी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे मतलब सी जी एल ओ सी एच एस एल ओ एम टी एस ओ जी डीओ जी डी तो एग्जाम आने वाला है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा ठीक है एस एस सी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है SSC में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच आई आई टी हेज पार्टनर्ड विद यू आई डी ए आई टू डेवलप द टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम ऑन अप्रैल इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ये हो जाएगा आई आई टी बॉम्बे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट नंबर द हंड्रेड एंड फोर्टी फर्स्ट आईओसी सेशन वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है तो ये हमारे मुंबई सिटी में हुआ है ठीक है एंड यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एस्टेब्लिश इन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून एटीन नाइनटी फोर हेडक्वार्टर हो जाएगा लूसन स्विट्जरलैंड मेंबर कंट्रीज हो जाएगा वन जीरो थ्री एंड यहां पे प्रेसिडेंट कौन है अभी थॉमस बैच अभी प्रेसिडेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रघुबर दास हैज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट बाय रिप्लेसिंग गणेशी लाल तो हो जाएगा उड़ीसा स्टेट के न्यू गवर्नर बने नेक्स्ट क्वेश्चन डैनियल नोबोआ हैज बिकम द दंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कौन से कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने डैनियल नोबोआ बने इक्वेडोर के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हु के एक्सटर्नल ऑडिटर बने किस टाइम क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी सेवन तक तो यह हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को री इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू नंबर सेवन ज्ञानपीठ अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है ये लिटरेसी में दिया जाता है ठीक है लिटरेचर में दिया जाता है लिटरेचर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड ओके तो यहाँ पे फिफ्टी सेवन जो दिया गया है ट्वेंटी थ्री में किसको दिया गया दामोदर मौजो को दिया गया जो गौन राइटर बोला जाता है और कौन कनी नोवलिस्ट भी बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से

जो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है तो हो जाएगा ये ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया किस कौन सा योजना ये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रस्थान योजना ठीक है ये इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स नंबर हुईड एज द एमडीसी बैंक एच डी एफ सी बैंक का एमडीसी कौन रीअपॉइंट हुआ है तो हो जाएगा शशिधर जगदीशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई आई टी विल सेटअप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजनिया तो कौन सी आई आई टी सेटअप करने वाला है तंजनिया में पहला इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड इंडिया तो ये हो जाएगा आई आई टी मद्रास क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ओके एस एस सी में पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इंद्र सेना रेड्डी अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विध स्टेट बाय रिप्लेसिंग सत्यदेव नारायण आरिया तो कौन से स्टेट के गवर्नर बने बने त्रिपुरा स्टेट के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नाइन बीन अपॉइंटेड एज द एम डी सी ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के न्यू एम डी सी ईओ कौन अपॉइंट हुए अशोक वशवाणी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी नंबर ट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मार्सल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंडिया का रैंक क्या होगा तो हो जाएगा इंडिया का रैंकोर्टी फिफ्थ रैंक पे ट्वेंटी थ्री में मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मेंज वन दिक्सटी एट फिल्मेयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म कौन से फिल्म को दिया गया है? तो गंगू बाई कथिया वाडी को इस फिल्म के लिए दिया गया सिक्सटी एट तो फिल्म का बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोला गया तय इड्री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कौन से कंट्री के री इलेक्ट प्रेसिडेंट है तो हो जाएगा तर्की के जो री इलेक्ट प्रेसिडेंट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री नंबर पीएम नरेंद्र मोदी हैज बिन लॉन्च दी एम विश्वकर्मा स्कीम टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ट्रेडिशनल क्रैप्समैन एंड आर्टिशन ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछेगा जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर दिया गया है द एफ आई एस यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ट्वेंटी वर्ड हेल्ड इन विच कंट्री कौन से कंट्री में हुआ ये चेंग दो चाइना में हुआ फर्स्ट रैंक हो जाएगा चाइना एंड इंडिया का रैंक हो जाएगा सेवन जिसमें से इंडिया ने इलेवन गोल्ड फाइव सिल्वर एंड टेन ब्रोंज टोटल ट्वेंटी सिक्स मेडल इंडिया ने जीते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी डेविड कैमरॉन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज बिन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फॉरिन सेक्रेटरी तो कौन से कंट्री के होगा तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के फॉरेन सेक्रेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हुज रीजनल डायरेक्टर फॉर द साउथ ईस्ट एशिया तो हो जाएगा साइमा वॉजेद जो कौन से कंट्री से वो बांग्लादेश के ठीक है ये कंट्री की याद रखना जरूरी है कभी अभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो नाम देके पूछेगा कौन से कंट्री से ठीक है तो ये बांग्लादेश के बिलोंग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन यू आई टी एज ज्वाइन हैद विच आई आई टी इंस्टीट्यूट टू डेवलप द टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम फॉर द इजियर यूजेज बाय द पीपल कौन सा आई होगा तो आई बॉम्बे हो जाएगा सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च द मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द फोर्थ बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर ट्वेंटी ट्वेंटी विच नेशन कौन से दो नेशन के अंदर बोंगो सागर एक्स जो नवल एक्सरसाइज होता है जिसका इस बार का एडिशन है फोर्थ एडिशन तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर होता है ठीक है बोंगो मतलब बांग्लादेश ये तो ऐसे ही समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टू द दवरत्न पीएसयू फ्रॉम मिनी रत्नो ठीक है मिनी रत्नो से नवरत्न पीएसयू बना कौन से रिसेंटली तो ये हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड आर वी एन एल जो थर्टीन ठीक है कौन से नंबर थर्टीन नवरत्न पीएसयू बने इंडिया के ओके okay? यहाँ पे आज के भी पार्ट थ्री में फिफ्टी क्वेश्चन दिए पार्ट वन में फिफ्टी पार्ट टू में फिफ्टी पार्ट थ्री में फिफ्टी ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जनवरी से डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक टोटल ट्वेल्व मंथ्स का कवर करेंगे हम लोग जितना भी हो सके पार्ट छोटे छोटे पार्ट करके देंगे आप लोगों के लिए भी पढ़ने के लिए बहुत